या हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज है रामनवमी, तो हैप्पी रामनवमी टू ऑल ऑफ यू। सो अभी मेरे घर पे यहाँ पर कन्या भोजन है। कल अष्टमी थी तो मेरे यहाँ ऊपर हो गई थी और आज यहाँ नीचे मम्मी कर रही हैं। तो हम लोग यूजुअली सप्तमी में कर देते हैं, बट अभी थोड़ा सा लेट हो गया आज, तो इसलिए आज क्योंकि नवमी के दिन क्या होता है ना, कन्याएं बहुत ज़्यादा बिजी होती हैं और ना तो वो ढंग से खाती हैं। टुडे आई वोर दिस ब्यूटीफुल सूट एंड अभी मैं फटाक से चेंज कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद आप लोगों से मिलती हूँ, मुझे कहीं जाना है तब मैं वहाँ आप लोगों को लेकर के चलूँगी। जब कन्याएँ आ जाएंगी तब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो चेंज वेंज कर लिया था मैंने। हमारे यहाँ जो कन्या भोजन है वो भी खत्म हो गई थी। मैं 9 सोचा था बट 17 या 18 कन्याज आ गई थी, ऑटोमेटिकली आ गई थी, तो फिर बहुत ही अच्छा रहा। और एक छोटी सी बहुत ही क्यूट सी 1-1.5 साल की कन्या थी, वो भी बहुत ही क्यूट है, यहीं पास में रहती है। आज डेफिनेटली खाना इतने अच्छे से नहीं खाया क्योंकि नवमी में यूजुअली ऐसा होता है कि बहुत लोग करते हैं, मतलब हमने भी पकड़ पकड़ के बुलाया है कि भाई कुछ तो प्रसाद के लिए झूठा मुँह कर लो, क्योंकि आज बहुत जगह करते हैं। मैं मम्मी को ये बोल रही थी कि अब नेक्स्ट टाइम से आप करो ना, तो या तो सप्तमी में करो या पंचमी, मतलब 5वें दिन कर दो। हम लोग मुंबई में, मैं और विक्की ना, हम लोग या तो 5th डे कर रहे होते थे या 6 या 7 डे हम कर लेते हैं, क्योंकि हमको पता होता है कि अष्टमी और नवमी में ये लोग बहुत बिजी रहती हैं। क्योंकि मैं अभी बाहर जा रही हूँ, आज मेरे सूट मिलने वाले हैं। मेरा जो डेनिम है मैंने ऑर्डर करने के लिए दिया था वो मिलने वाला है, तो वही लेने के लिए जा रही हूँ। और साथ में मुझे एक और अपना एक सामान है वो पिक करना है, वही करने के लिए जा रही हूँ। तो अभी आई हैव नॉट अप्लाइड एनीथिंग, सिर्फ मॉइस्चराइजर लगा है मेरे फेस में और फेस वॉश डी है ऑलरेडी। तो आई एम गोइंग टू यूज़, क्योंकि मैं बाहर सनलाइट में जा रही हूँ, तो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस डर्मा को का 1% हाइलुरोनिक टिंटेड सनस्क्रीन जेल। आई थिंक मुझे बताने की अब जरूरत भी नहीं है, मैं इतनी बार इसके बारे में बात कर चुकी हूँ। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट। तो बहुत सारे लोग सनस्क्रीन यूजुअली इसलिए नहीं लगाते हैं बिकॉज वो वाइट कास्ट आपकी स्किन पे छोड़ देता है एंड बहुत ही ज़्यादा ग्रीसी इफेक्ट देता है। लेकिन ये जो 1% हाइलुरोनिक टिंटेड सनस्क्रीन जेल है बाय द डर्मा को, ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, आपको इवन स्किन टोन देता है, प्रोटेक्शन देता है UV एंड UVB रेज से। दिस सनस्क्रीन हैज़ SPF 60, साथ ही साथ इसमें PA 4+ है एंड इस पावर पैक्ड विथ 26% जिंक एंड 10% टिटेनियम ऑक्साइड। इसके अंदर 1% हाइलुरोनिक एसिड मिला हुआ है जो कि आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग बनाता है एंड मॉइस्चराइज बनाता है। इट इज़ अ फिजिकल सनस्क्रीन दैट मेक्स इट सुपर सेफ फॉर पीपल विद सेंसिटिव स्किन। इसको आपको लगाना कैसा है, एक्सपोज्ड एरिया में 15 से 30 मिनट पहले सन एक्सपोजर में जाने से पहले आपको लगाना है, जेंटली मसाज करना है और हर 3 से 4 घंटे में रीअप्लाई करना है। लगाने से पहले आपको पैच टेस्ट ज़रूर करना है और आप इसको डेली यूज़ कर सकते हैं। और अब फाइनल टच के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का ग्लो ऑयल कंट्रोल कॉम्पैक्ट, बिल्कुल हल्का हल्का डैब डैब मोशन में। और अब मैं फटाक से करती हूँ चेंज। दिस इज माय फेस। मैंने सिर्फ अकेला द डर्मा को का 1% हाइलुरोनिक टिंटेड सनस्क्रीन जेल और उसके ऊपर मामा अर्थ का ग्लो कॉम्पैक्ट लगा लिया एंड दैट्स इट। इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन, आपको कुछ और लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, डू ट्राई इट आउट वंस, आपको मजा आ जाएगा इस सनस्क्रीन जेल को लगाने पे। तो स्क्रीन पे दिया हुआ कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे यू विल गेट 20% ऑफ द डर्मा को की वेबसाइट पे। तो आप कभी भी द डर्मा को का कोई भी प्रोडक्ट द डर्मा को की वेबसाइट से परचेस करेंगे। डर्मा को विल लिंक योर ऑर्डर टू अ चाइल्ड एट द हेल्प to educate along with Bhumi. They have pledged to help 10,000+ students across the year, जो कि एक बहुत ही अच्छा cause है। Derma Co के जितने भी नए products हैं, they all are fragrance free. So this is my suit का color देखिए, it's very very pretty. मैं तब तो बता नहीं पाई थी, तो अभी बता रही हूँ। ये इसका दुपट्टा है, कॉटन का सूट है ये। और आप लोग ये जो गोटापत्ती काम देख रहे हैं ये गोल्डन शेड में है जो कि बहुत सुंदर लगती है। So yes, this is my suit. तो फटाफट से चलते हैं मार्केट, लेट्स गो। ओके गाइस, लेट्स गो। एंड ये सूट बाहर जो सनलाइट की रोशनी होती है उतना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, मतलब आप कलर देखो, इट्स वेरी प्रिटी सूट, हाईली रेकमेंडेड। मतलब मेरी मम्मी ने तो बोला है कि एक मेरे लिए भी मंगवा दो, इतना सुंदर लगा उनको भी। उनसे गाड़ी चलाती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो पहुंच गई हूँ मैं बुटीक, हमारे घर के बहुत पास है ये। एक्चुअली अभी मैं अपने बुटीक से आई हूँ एंड लिटरली मुझे कुछ भी नहीं मिला है। अब वो मिलेगा मुझे रात को 8 बजे, वो तो 3 घंटे में कर देते हैं, है ना। अभी आज मेरी डेट थी एक्चुअली, जो भैया है जो कस्टमर डीलिंग करते हैं, बाकी स्टिच करने वाले सब अलग हैं और कस्टमर डीलिंग करने वाले सब अलग हैं। तो जो सिंपल सूट मैं स्टिच करा रही हूँ कॉटन का, उसकी चार्जेस इतने एक्सपेंसिव है, मतलब जितने के उसके सिर्फ स्टिचिंग चार्जेस हैं उतने का पूरा ये सूट भी नहीं है कॉटन का जो मैं पहनी हुई हूँ। तो समटाइम्स इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन सूट्स लेना ना ज्यादा वर्थ इट होता है एज कम्पेयर टू कपड़ा लेके स्टिचिंग कराना। आई नो लोकल मार्केट में उसका काफी इम्पैक्ट पड़ता है, ऑनलाइन सूट लेना मुझे ज्यादा सस्ता पड़ता है। तो अभी तो चलो ठीक है, वो कपड़ा बहुत टाइम से पड़ा हुआ था तो इसलिए मैंने स्टिच करा लिया। और बाकी एक मेरे लोकल भैया हैं टेलर भैया, वो भी बहुत अच्छा स्टिच करते हैं, बट हाँ वो ब्लाउज नहीं स्टिच कर पाते हैं। सो दैट्स वाई मैं यहाँ बुटीक में आई थी। बट हाँ इनके पास जो सिंपल सूट की स्टिचिंग है वो भाई भयंकर एक्सपेंसिव है। तो लेट्स सी, मैं फिटिंग वगैरह देखती हूँ और फिर उसके बाद जब मिल जाएगा शाम को तब मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो शाम को फिर से मैं आंटी के यहाँ पे आई थी 8 बजे एंड अभी मुझे सारा सामान मेरा मिल गया था। हाई एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज है नेक्स्ट डे और आज है दशहरा। सो हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। तो आज मैं क्या कर रही हूँ, मतलब सुबह से तो हमारे यहाँ वही होता है, गाड़ी धुलती है, गाड़ी की पूजा होती है और ऐसे दिन में इतना कुछ नहीं होता है। बट शाम को हम लोग क्या करते हैं, सोना, एक पत्ती होती है जिसको हम लोग सोना कहते हैं, तो वो बांटने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाते हैं। साथ में हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा सा ऐसे ही राउंड मार करके आते हैं कि बाहर क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या क्या झांकी लगी हुई है, तो वही देखने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए आप लोगों को लेके चलती हूँ भोपाल दर्शन में। यस लेट्स गो। तो रोड्स पे इतना बढ़िया माहौल था बट अनफॉर्चुनेटली बारिश ने थोड़ी सी चीज़ें खराब कर दी थी। बहुत मज़ा आ रहा था घूमने में, तो हम लोग ऐसे घूमने के लिए स्पेशली मेरे जो फादर इन लॉ इनकी गाड़ी लेकर के निकले थे। 2 व्हीलर में घूमने में एक अलग ही मज़ा आता है। और आज जो है दशहरा के दिन जो छोटी छोटी झांकियाँ होती है ना वो निकल रही थी, बड़ी जो झांकियाँ होती हैं वो उसके नेक्स्ट डे निकली थी। तो बारिश हो गई थी क्योंकि, तो आप देखिए हर जगह जहाँ जहाँ पर भी रावण लगा हुआ था वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे कीचड़ टाइप हो गई थी। एंड इवन रावण दहन के बाद भी बहुत बारिश हुई थी, मतलब लिटरली काफ़ी बारिश हुई है। और देखिए इतनी सुंदर लग रही हैं ये, बहुत सुंदर सुंदर देवियाँ निकल रही थी, तो बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब हमने ऑलमोस्ट आधा भोपाल कवर कर लिया था घूमते घूमते। और ये है हमारे भोपाल का शाहपुरा लेक। तो अगर आपको नहीं पता है तो भोपाल को बोला जाता है सिटी ऑफ लेक्स। यहाँ पे काफ़ी सारे लेक्स हैं, हर कोने में आपको एक लेक मिलेगा। फिर हम पहुँच गए बिट्टन की तरफ और यहाँ पर हम लोगों को मिले बहुत सारे रावण। तो मेरा वैसे ही बहुत मन था, 2 साल से मेरा मन था कि रावण जलाएंगे, खुद का रावण जलाएंगे। बट इस बार मैंने विक्की को बोला था कि चलो अपन DIY करते हैं, तो विक्की बोलता है अरे रहन दो, क्या करेंगे है ना, ऐसे लेजी हो गया था वो। बट फिर जब मुझे ये दिख गए तो मैंने बोला यार अभी तो मुझे लेना ही लेना है, क्योंकि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था। मतलब 100-150 रुपीज़ में आपको एक अच्छे डिसेंट साइज़ का रावण मिल जाता है, क्यूट सा। तो पहले हम लोग देखने के लिए निकले थे, फिर हमने सोचा भी कि इसको ले लें, बट क्योंकि हम लोग 2 व्हीलर पे थे ना तो ले जाना मुश्किल हो जाता, तो इसलिए हमने सोचा कि हम लोग कार लेकर के आएंगे और फिर इनको लेकर के जाएंगे। फिर हम लोग थोड़ा और घूमे, हम बिट्टन में गए, यहाँ पर इनका रावण भी देखा। सब गीले हो गए थे यार, वो देख के बड़ा दुख लग रहा था। और ये बहुत ही अच्छी, मतलब भोपाल में बहुत सही झांकियाँ बैठती हैं। फिर जब मैं घर पहुँची तो पता चला कि गिलकी के भजिए बन रहे थे। तो हमारे यहाँ दशहरा पे गिलकी के भजिए बनते हैं, दोनों जगह, ऊपर इन लॉस के यहाँ भी बनते हैं। तो कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि क्या आपके यहाँ भी गिलकी के भजिए बनते हैं दशहरा के दिन। ओके गाइस, तो अभी हम फाइनली जा रहे हैं रावण लेने। थोड़ा सा अंधेरा आ रहा है, I'm so sorry because मैं अपना कैमरा जो है वो घर भूल के आ गई हूँ। तो हम लोग अभी देखने गए थे, हम लोग सोच रहे थे तभी लेने का, बट अनफॉर्चुनेटली हो गया रहा था ना कि गाड़ी में रखने की जगह नहीं हो रही थी, और रख भी देते ना तो गाड़ी विक्की को चलाने में डिफिकल्टी होती। और मेरे हाथ में ऑलरेडी सामान था, मतलब मैं कुछ अगर कैरी बैग लेके चली जाती ना तो शायद मैं अभी लेकर के आ जाते। तो अब हम जा रहे हैं कार से रावण को लेने के लिए और फिर जलाएंगे रावण को धड़ाधड़। पहले मैं सोच रही थी कि मेरे यहाँ, हमारे यहाँ जो क्रैकर्स है ना वो पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, बट मुझे पता था कि मेरे फादर इन लॉ इज अ क्रैकर लवर, मतलब उनको बहुत ज़्यादा शौक है। तो उनके पास हमने स्टोरेज में जब चेक करके देखा तो अच्छे खासे पटाखे मिल गए हैं। तो अब हम लोग रावण जलाएंगे। हमारा, हम लोग जहाँ पे रहते हैं ना वहाँ पर पास में एक शॉप है जिस शॉप का नाम है डब्बू जी के नमकीन। सो इतने ज़्यादा टेस्टी उनके यहाँ के मतलब नमकीन होते हैं। पहले तो हम लोग ऐसे होता ना फेमस शॉप्स मिलन और यहाँ पर जो 2-3 शॉप्स हैं उनके ही लाते थे। बट अगर आप मतलब कहीं भी रहते हैं ना, आप एक बार इनके यहाँ के ट्राई करिएगा। इनके यहाँ छोटे छोटे वो जो कचौरी और समोसे नहीं होते हैं जो आप 15 डेज, 20 डेज, 1 मंथ रख सकते हो, वो मतलब मैं उनके शॉप पे जाती हूँ और कुछ भी उनके यहाँ का नया आइटम होता है ना वो मुझे चखाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि चटोरे आ गए हम दोनों, विक्की और हम दोनों को। तो वो लिटरली जो भी नया बन रहा होता है वो स्पेशली आगे से चखाते हैं कि आप ये खा के देखो, ये खा के देखो। बेस्ट चीज़ चीज़ ये है कि वो बिल्कुल सामने बनाते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं अंदर उनका किचन है, एकदम ओपन में उनका किचन है, एकदम क्लीन और सामने बनाते हैं, फ्रेश बनाते हैं, तो बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं तो मतलब हमारे यहाँ तो नियम से उनके यहाँ हर 15 डेज में रेपिटेटिव मोड पे उनके यहाँ के नमकीन आते हैं, इतने टेस्टी लगते हैं। तो ये हम लोगों ने लिया है हमारे घर के पास में, मतलब मैनेड स्क्वायर पे हमको ये मिल गए थे और बहुत ही अच्छे रेट पे मिला है, मतलब ये 200 रुपीज़ का हमने रावण लिया है, विच इज़ अमेजिंग, मतलब बहुत वर्थ द प्राइस है। और ये हमारा छोटा से हमारा नेबर है, तो ये मॉडर्न राम जी आ गए हैं रावण का वध करने के लिए। गाइस सब हम लोग जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। तो हम लोग एक पत्ता होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सोना, तो ये ना एक दूसरे को दिया जाता है। तो ऐसा बोला जाता है कि घर के जो मेल होते हैं ना वो जाते हैं भगवान के पास आशीर्वाद लेने, क्योंकि उनको रावण का वध करना होता है। तो पहले ऐसा होता था, अब क्या, हाँ अब सभी जाते हैं। तो इसीलिए मैं अपने मदर इन लॉ से परमिशन लेकर पूछ के आई, परमिशन क्या पूछ के आई कि मैं जा सकती हूँ क्या मंदिर, तो मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि जा सकते हो। तो अब क्या है, अब तो सभी जाने लग गए, पर पहले ऐसा होता था कि मेल ऑफ द फैमिली जाते थे रावण को मारने के लिए, और अब लेकिन सब जाते हैं देखने भी, इनफैक्ट सब जाते हैं अब, तो बहुत पहले की बात बता रही हूँ मैं। तो ये हम लोगों ने सोना ले लिया है, तो सब मजाक करके यही बोल रहे थे कि आजकल ओरिजिनल सोना तो बहुत एक्सपेंसिव आ रहा है, तो इसी सोना से काम चला लो भाई। ये आपने बनाया है क्या घर पे? अच्छा बढ़िया लग रहा है। तो हम लोगों ने दोनों रावण पास पास ही रख लिए हैं। हाय जिया, हाय। सो ये राम जी एक और आ गए हैं रेडी होकर के रावण का वध करने, तो इनकी पूजा उजा हो रही है। सो हम लोगों का ना, मेरी मदर इन लॉ का एक पूरा सर्कल है, मतलब ये सब फ्रेंड लोगों का सर्कल है, तो सब वो लोग मिल करके सारे फेस्टिवल, होली भी होता है, दशहरा भी होता है ना, तो सब ऐसे नीचे आ जाते हैं, सेलिब्रेट कर लेते हैं छोटा मोटा, मतलब जला जला जला। और जो हमारे यहाँ के छोटे से राम जी है ना, वो थोड़ा डर ज़्यादा गए थे, तो वो पीछे जा कर के छुप गए थे। फिर मारा गया रावण। हर वर्ष की तरह हमने दशानंद को अग्नि में दग्न किया, उसके हर एक मुख को बाणों से ध्वस्त किया। तो हर बार की तरह इस बार भी अच्छाई की बुराई पर जीत हुई है। तो मिलती हूँ जल्दी ही आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। टिल देन बाय।